नमस्कार किसान भाइयों, और एक नई वीडियो के साथ फार्मिंग एरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे किसानों का ईमेल्स आता है, फ़ोन कॉल्स आता है सेकेंड हैंड पावर टिलर रिगार्डिंग। वो सभी लोग ज़्यादातर नए पावर टिलर से ज़्यादा सेकेंड हैंड पावर टिलर खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि नया पावर टिलर खरीदना अच्छा रहेगा या फिर पुराना पावर टिलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना पावर टिलर है जो कि आप बेचना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पावर टिलर बिक भी जाएगा, और जो किसान भाई पुराना पावर टिलर ख़रीदना चाहता है कम दामों में, वो क्योंकि वो नया अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे भी फ़ायदा होगा। तो आप कृपा करके हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप नया पावर टिलर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको 2 लाख पैसे देने होंगे। 2 लाख क्योंकि आजकल पावर टिलर का जो दाम है वो 2 लाख पार हो चुका है, तो सभी किसानों के लिए ये संभव नहीं है। तो क्या करते हैं कि कुछ किसान भाई जिनके पास जानकारी होता है, जो कुछ जानते हैं सब्सिडी के बारे में, तो वो ज़्यादातर पावर टिलर को सब्सिडी में ख़रीद लेते हैं। सब्सिडी में भी ख़रीदने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले आपको पूरा का पूरा पैसा डीलर को पे करना होता है, यानी कि 2,04,000 या 5,000 रुपये आपको डीलर को देना होता है, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलता है। अगर हम सब्सिडी के बारे में बात करें तो आपको 85,000 रुपीज़ तक का आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। वो भी सोशल कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप SC ST के अंदर आते हैं तो आपको 85,000 का सब्सिडी मिलता है। वहीं अगर आप वुमेन्स फार्मर हो, तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपको 85,000 का सब्सिडी मिलेगा। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपको 75,000 का सब्सिडी मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका सब्सिडी के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पुराना पावर टिलर, ठीक है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, अगर आप 2 लाख रुपये नहीं दे सकते, तो आपको जाहिर सी बात है आप सेकेंड हैंड लेना प्रेफर करेंगे। तो सेकेंड हैंड देखिए, मेरे पास जो पडलिंग के टाइम यानी कि बरसात के टाइम 6-7 पावर टिलर बिक गया है। वो उनका जो प्राइस था वो 50 से लेके 1,20,000 तक का था, कंडीशन लेके। देखिए, अगर आप सबसे कम दामों में ख़रीदना चाहते हैं 50 से 60,000 के अंदर, तो उसका कंडीशन देखिए बहुत पुराना होगा, जाहिर सी बात है। वहीं आप अगर अच्छा क्वालिटी का चाहते हैं तो प्राइस आपको 1 लाख के आसपास देना होगा। अगर आप वहीं आप पुराना लेंगे तो पुराना क्या होगा कि दिक्कत देगा आपको। अगर वो ज़्यादा पुराना हो गया है, जिनके पास से आप ले रहे हैं, अगर वो आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, मान के चलो कहीं का वायरिंग टूटा हुआ है, कहीं का कुछ पार्ट्स घिस गया है, वो आपको नहीं बताएंगे, फिर आप ले जाओगे, लेने के बाद आप पछताओगे, क्योंकि आप थोड़े से काम कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप जब थोड़े से काम करोगे, वो कहीं का ये वाला पार्ट्स टूट गया, कहीं का वो वाला पार्ट्स टूट गया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला चीज़ है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नया लीजिए, या फिर आप नया पूरा पेमेंट देके नहीं ले सकते हैं, अगर आपके पास सब्सिडी अवेलेबल है तो आप सब्सिडी ट्राई कीजिए। तो इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hamaraabhishek86@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।